हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने रेशनल नंबर चैप्टर के रिवीजन के बारे में। क्या बात करने वाले प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर जो हमारा चैप्टर है इसका हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो बस आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से रिवाइज हो जाएगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा रेशनल नंबर होता है वह क्या होता है। तो मैंने बताया था, रेशनल नंबर मतलब बेसिकली कोई भी आपका फ्रैक्शन है, यानी 2/3 हो या 4/5 हो, ये सब क्या, ये सब रेशनल नंबर है। बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में है। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना कि अगर कोई भी नंबर आपका फ्रैक्शन में है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग प्यारे बच्चों रेशनल नंबर कहेंगे। अब हम आगे बात करते हैं अपने पहले वाले पॉइंट के बारे में। देखिए पहला पॉइंट क्या है, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। यानी प्यारे जो, देखिए हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि नहीं, रेशनल नंबर की पढ़ी थी, बिल्कुल क्लोज प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो क्लोज प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि भैया अगर आपका होल नंबर है, अगर उसे आप लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तीनों करने पर अगर होल नंबर ही आ जाए, यानी होल नंबर का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तीनों करने पर अगर होल नंबर ही आ रहा है तो वह कहेंगे क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो करें। उसी प्रकार इंटीजर में भी, अगर इंटीजर में ये सब अप्लाई कर रहे हैं तो इंटीजर आ रहा है तो आप लोग क्या कहेंगे कि वह आपका क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो करता है। उसी प्रकार रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर भी आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि भैया वह क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया जो हमारा यहाँ पर देखिए डिवीजन को छोड़कर बाकी सब आपके क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। समझ आया कि भैया हमारा क्लोज प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या। अब हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों की अगली प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए इसमें हमें क्या दिया प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है कि द ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लीकेशन आर, मतलब प्यारे बच्चों कि हमारा अगर मान लो कोई रेशनल नंबर है वह आपकी दो ही कंडीशन में, यानी अगर आप लोग या तो उसे ऐड करें दो रेशनल नंबर को, या तो भैया आप उसका मल्टीप्लाई करें, तभी वह आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, इतना में ध्यान में रखना कि अगर हम जब भी कभी आप लोग एडिशन करें या मल्टीप्लाई करें तभी आपका ये जो आपका रेशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं फॉलो करेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, आप लोग 2+3 ऐड करिए या 3+2 करिए, बात सेम ही आएगी। उसी प्रकार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वही होती है कि भैया दो ब्रैकेट को सॉल्व करने की टेक्निक होती है, लेकिन हमें वो नहीं ध्यान रखना। बस यही ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कब फॉलो होती है, आप लोग एडिशन के केस में और मल्टीप्लीकेशन के केस में। दो चीज़ें, दो पॉइंट आपको समझ आया। देखिए इसका मैं शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ तो उसे आप लोग जाके रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। इसमें क्या कहा, द रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द रेशनल नंबर। तो प्यार जो हमें क्या कह रहा है कि भैया आपका 0 को हम लोग क्या कहते थे, 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक, इतना समझ आया। देखिए क्यों कहते हैं, देखिए एक बात हमें ध्यान रखें, आइडेंटिटी मतलब कि भैया वह नंबर सेम ही रहे, यानी प्यार जो अगर मान लीजिए 2 में आप लोग 0 ऐड करते हैं तो 2 ही आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, यानी नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप लोग ऐड करें और वही नंबर आ जाए तो उसे हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। उसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि भैया आप लोग 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर आ रहा, तो जा आपका क्या होगा, या आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो बस हमें क्या ध्यान रखना है कि 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब सेम ही नंबर, ठीक, मतलब वह अपना बेसिक चीज चेंज ना करे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की अपने एडिटिव इनवर्स के बारे में। क्या प्यार जो एडिटिव इनवर्स के बारे में, देखिए एडिटिव इनवर्स बेसिकली वही होता है कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है, मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में ही आपको 2/3 दिया है, बस आपको कुछ नहीं करना, इसके अगर आप लोग आगे माइनस साइन लगा दें, क्या प्यारे बच्चों इसके आगे माइनस साइन लगा दें तो जो आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो हमें क्या एडिटिव इनवर्स में ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स आपसे पूछ रहा है तो माइनस साइन लगा दीजिए तो काम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया कि भाई a/b, आपका एक एग्जांपल आपको दिया है, बस इसमें क्या चेंज कर रहा है, माइनस का साइन लगा दे रहा है। या तो आप लोग ये भी मान सकते हैं किसी भी नंबर आपको दिया है उसमें आप लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लो भाई आपको 2/7 दिया है, इसमें क्या करें आप लोग माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दे, चलिए भैया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह आपका क्या बनेगा, बताइए आप लोग, आपका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। ठीक है,
उसी सेम उसी प्रकार प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, या आप लोग इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो बस प्यारे बच्चों इसमें हमें क्या ध्यान रखना, कोई भी अगर आपको नंबर दिया है, ठीक है, हम लोग नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले मान लेते भैया आपको 2/7 मान नंबर दिया, अगर इसे कोई पूछ जाओ कि भैया इसका रेसिप्रोकल बताइए, तो कुछ नहीं करना, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपन आपस में चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 7/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हमने 2 को नीचे भेज दिया, 7 को ऊपर भेज दिया, तो कुल मिला जुला कर रेसिप्रोकल में हम लोग क्या करेंगे, नंबर को उल्टा कर देंगे। यानी आपको a/b भी दिया है तो इसका रेसिप्रोकल इनवर्स बताइए क्या होगा, बस b/a कर दीजिए, तो यही आपका रेसिप्रोकल हो गया, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप इसे कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला कर हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम लोग एडिटिव इनवर्स करते समय माइनस साइन लगाते हैं, रेसिप्रोकल करते समय हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं आपस में चेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहले क्या दिया कि a/b दिया, c/d दिया, तो कारा तभी होंगे जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ जाए। तो वैसे भी प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमने जब चेंज करें 2/7 है, इसको हम लोग जब चेंज करें क्या होगा, 7/2 होगा, जब ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए वही बात यही है कि इसमें भी कह रहा है कि भैया बस आप लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में क्या करिए, आपस में चेंज कर दीजिए, आपका मल्टीप्लिकेटिव या रेसिप्रोकल इनवर्स आपका मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट के बारे में, इसमें क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ रेशनल नंबर। तो इसमें कह रहा है कि भैया अगर मान लीजिए देखिए हम लोग ए का बी और सी में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई का, ये तो बात हमें पता ही है। क्यों? देखिए जैसे हम लोग मान लीजिए आपको 2 दिया है और प्यार जो एक सॉरी देखिए 2 दिया है और प्यारे बच्चों इसमें हमें कह रहा 3, सॉरी ये थोड़ा दिक्कत है, जैसे 2 दिया मान लीजिए प्यारे बच्चों और इसमें 3+2 दिया है, तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते भैया 2 का दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, एक बार 3 में एक बार 2 में, हाँ ना बोलिए, बिल्कुल होगा। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों जो आपको बेसिकली टर्म दिख रहा है, देखिए ये वाला जो टर्म आपको बेसिकली दिख रहा है, इसमें क्या किया है, ए का एक बार बी में मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर ए का बेसिकली आपका सी में मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं बिल्कुल कर दिया, तो आपका ए भी आ रहा है, ए सी आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है। उसी प्रकार पे जो सेकेंड एग्जाम्पल में भी वही काम किया, ए का एक बार बी में मल्टीप्लाई, उसी प्रकार ए का एक बार सी में मल्टीप्लाई, तो ए का बी में करेंगे ए भी आ रहा है, ए सी आ रहा है, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब भैया कि आपका दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2, 3 जितना रहा है सब में मल्टीप्लाई होगा, इतना समझाया। अगला पॉइंट क्या हमें कह रहा है कि आपका रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, मतलब अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसे आप लोग बेसिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि भैया 2/3 हो या 1/3 हो, ये सब किस में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं नंबर लाइन पर, इसका तो मैं बनाया हूँ, तो उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने 3 मेथड बेसिकली पढ़ा था कि भैया हम लोग नंबर लाइन पर बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से 3 मेथड थे बताइए आप लोग। हाँ देखिए पहला मेथड आपका प्यारे बच्चों क्या था, पहला मेथड था कि भैया आप लोग ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरा मेथड क्या था प्यारे बच्चों, आप लोग डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, क्या था दूसरा मेथड, डिनोमिनेटर को आप लोग सेम कर दीजिए, और लास्ट मेथड था प्यारे बच्चों आप लोग ऐड करके आधा कर दीजिए, क्या प्यारे बच्चों ऐड करिए और उसका आप लोग आधा कर दीजिए, तो वह आपका क्या हो जाएगा, वह आपको उससे भी निकाल सकते, तो जो मेथड आपको आसान लगे उससे आप लोग प्रोसीड करिए। तो कुल मिला जुला कर यही हमने 9 पॉइंट डिस्कस किया। तो बस आप लोग ध्यान में रखेंगे कि भैया जो हमारा रेशनल नंबर होता है इन्हीं चीज़ों पर चलता है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल करिए सब्सक्राइब, कोई डाउट है पूछ लीजिए, और मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए तो उसे आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।